Good morning, all of you. As you know, that today we are here to shoot a new video that will definitely tell you about the importance of the school. As you know, that the lockdown corona period is running here. So there are so many students that are sitting idle at their home and they are just becoming very fed up with a fixed routine that they are doing. So now we are getting the importance of the school, not only the student as well as the parents also. Maa baap khud pehle lagta hai ki school kya karta hai. Aaj they are realizing ki what is the importance of the school. So aisa hi ek lesson aapki class 9th mein hai English ke liye. Aur us lesson ka naam hai the fun day hai. To ये आज से लगभग 50 साल 40 साल बाद की कहानी है, बट कुदरत का करिश्मा देखिए, आज ही आपको दिखा दिया उसमें. एंड पिछले 2 साल से स्टूडेंट लाइव क्लासेस ले रहे हैं, मोबाइल फोन पे क्लासेस ले रहे हैं, एक जगह बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, टीचर्स डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आप वो भी देख सकते हैं. तो सारी की सारी जो प्रिपरेशन है, ये सारी की सारी जो तैयारियां हैं, ये किस लिए है? ये आपको एजुकेट करने के लिए. हो सकता है कि आने वाले टाइम में देयर मे बी पॉसिबल दैट द स्कूल विल बी नॉट देयर. सो द स्टूडेंट विल रीड, डू द स्टडी. हाउ विल दे डू? इट्स मे बी पॉसिबल देयर विल बी नॉट द बुक, बुक्स भी ना. तो ये एक ऐसी कहानी है जहां पे 2 बच्चे हैं मार्किन टॉम, ये लगभग 6-7-8 साल के बच्चे हैं दोनों. उनको किताब मिलती है एटिक के ऊपर, टावर के ऊपर, और बच्चा बुक लेके आता है. सो बिकॉज दे वर नॉट नोइंग अबाउट द बुक्स, सो दे आर फाइंडिंग समथिंग स्ट्रेंज हियर. सो व्हाट इज दिस दे आर फाइंडिंग? तो कहते क्या है ये? वैसे देन उसको खोलते हैं, फिर उसमें लेटर्स लिखे होते हैं एबीसीडी वाले, जो भी बुक्स है, जाहिर सी बात है उसने कुछ लिखा होगा. सो एक बच्चा कहता है कि यस दिस इज द लेटर दैट दे आर फाइंडिंग हियर, जस्ट लाइक दैट वी आर हैविंग कंप्यूटर दैट फ्लोटिंग देयर. यानी वो ऐसे लेटर है जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं. उसी वजह से आपस में डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि यार ये लग रहा है बुक है, ये किताब है, शायद ये किताब है. यानी बहुत साल पहले अपने दादाजी से सुना था कि एक स्कूल नाम की चीज होती थी, स्कूल में किताबों के द्वारा सिखाया जाता था. तो एक बच्चा उसमें से मजाक उड़ा था, बोला क्या बात कर रहे हो, हमारे टाइम में स्कूल क्या है, व्हाट इज द स्कूल, हमने तो वर्ड ही नहीं सुना. बुक्स क्या होती है? बुक्स वो तो वो बच्चे बताते हैं, जैसे आप लोग आज कंप्यूटर्स में पढ़ते हो, सेम इसी तरीके से पहले लोग किताबों से पढ़ते थे. और आज से मैंने अपने दादाजी के मुंह से सुना है कि जब उनके दादाजी थे वो स्कूल जाके करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन फॉर्म्स अ रियल बुक बेस्ड ऑन स्कूल, और वो किताब भी स्कूल के ऊपर ही होती थी, जिसमें स्कूल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता था. ठीक है, जिसके अंदर बताया जाता है. बट ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे वैसे स्कूल में नहीं पढ़ते. इन बच्चों का अपना एक कमरा है, जैसे आज आपका घर है, इसमें ड्राइंग रूम, टीवी रूम, बाथरूम सब अलग अलग है. इसी तरीके से इनका एक क्लासरूम हुआ करता था, जहां पे एक डिवाइस लगी होती थी, एक फिक्स टाइमिंग पे एक टीचर आता था, उसको कंप्यूटर को ऑन करते, सबके ऑनलाइन क्लासेस होती, वैसे क्लासेस होती थी, वो चला जाता था. ना बच्चा स्कूल गया, ना बच्चे ने किताब खोली, बस वीडियोस देख के सामने पढ़ के, जैसे मैं आपको या हम आपको पढ़ाते हैं लाइव क्लासेस में, ऐसे पढ़ा और हो गया. अरे बात होमवर्क की, तो कंप्यूटर में स्लो हुआ करता था, उनके पास एक फ्लॉपी होती थी, सीडी टाइप की डिस्क होती थी. टीचर कहता था कि यू हैव टू पुट योर होमवर्क इन दैट स्लॉट, और वो स्लॉट पर रखता था और 2 मिनट में चेक करके बताता था. ठीक है, इसी के अंदर जो बच्चा था, एक बच्चा जिसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही थी, डे बाय डे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी. ठीक है, तो उस परफॉर्मेंस को खराब होने का जो कारण था, वो परफॉर्मेंस खराब क्यों हो रहा था? जो ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी के अंदर जो मार्क्स थे हमेशा खराब 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 खराब, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही थी. तो उसका रीजन क्या था? उसको दिखाने के लिए उसकी मदर उसको लेके गई काउंटी इंस्पेक्टर के पास. जिस तरीके से जब आप परफॉर्मेंस खराब करते हैं, जब आप परफॉर्मेंस गलत करते हैं, तो आपके मम्मी पापा कहां ले जाते हैं आपको? टीचर के पास, प्रिंसिपल सर के पास. एंड आफ्टर दैट दे आर
जस्ट गिविंग ऑल द सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा था, तो मार्गे की मदर ने क्या किया, उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई, ठीक है। और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको खाने के लिए एक एप्पल दिया, और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पे एक डिवाइस लगाया, थोड़ी देर टेस्ट किया, और उसके बाद उसने बताया कि आपकी बेटी तो ठीक है पढ़ाई में है, पर जो इसको कोर्स कराया जा रहा है, इसका ज्योग्राफी का जो सेक्टर है कोर्स, वो थोड़ा सा एडवांस है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेवेंथ या एट्थ में हो और आपको टेंथ का पढ़ाया जाए तो आपको तो आएगा नहीं। तो यही मार्गी के साथ हो रहा था। मार्गी के एक ही हिसाब से जो उसको कोर्स सेट करके दिया गया था, जो उसको पढ़ाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो क्या था, गलत था, जिसकी वजह से बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसको कोर्स उसकी एज के साथ सेट कर दिया, और उसके बाद वो घर आ गया। अब बच्चे इस किताब को दोबारा पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं पुराने टाइम में स्कूल कैसा होता था, आर्ट पीरियड होते थे, फिजिकल टीचर होते थे, क्लासरूम होता था, बहुत सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ स्कूल से आते थे, एक साथ बैठते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे, खाते थे, पीते थे, ठीक है, बहुत मजा करते थे। तो उनको जब ये किताबों में उन्होंने पढ़ा, जो किताब उनको मिली थी, तो उनको लगा अरे स्कूल तो बहुत अच्छा होता है, काश हमारे टाइम में भी ऐसा होता। और इस तरीके से बच्चे फीचर होते स्कूल के बारे में पढ़ा, तो उनको लगा कि अरे हमारी जिंदगी में स्कूल क्यों नहीं है। और वो बच्चे सोते हैं और सोते हुए सपना देखते हैं, यही है इस कहानी का, ठीक है। सो आई होप मैंने एक रफली आइडिया बता दिया, एक बहुत ही ज्यादा बुक टू बुक नहीं बताया आपको, तो उसका पूरा निचोड़ बता दिया, क्योंकि तो वीडियो बहुत छोटी बनानी होती है, क्योंकि तो आप बड़ी वीडियो देखते ही हैं, ठीक है। तो ये इसका थीम है, बाकी बुक्स के अंदर आप डिटेल से पढ़े, कुछ भी डाउट्स है यू कैन आस्क।